हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डे और में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फोर सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स को। बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो आपका यूनिट फोर का टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा जो है तीन रिंग्स होती हैं, जिसमें हमारा एक रिंग जो होता है वो हमारा डाइजेपिन रिंग होती है। और डाइजेपिन रिंग को अगर हम बेंजीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा बेंजोडाइजेपिन रिंग। ठीक है, तो मेन रिंग जो हमारा ये वाली रिंग है, बेंजोडाइजेपिन रिंग। बाकी इसमें हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा R1 सब्स्टिट्यूशन है, R2 होता है और R3 होता है, और यहाँ पर हमारा एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग ए की। रिंग ए कौन सी हमारी? ये वाली जो हमारे बेंजीन रिंग है उसे हम रिंग ए कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन एट 7th पोजीशन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लीड टू इंक्रीज एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा रिंग ए है, जो हमारा बेंजीन रिंग है, उसमें हमारा 7th पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जो कि हमारा R1 है। अगर हम R1 की जगह कोई भी रिप्लेसमेंट करते हैं, हम Cl से, Br से, NO2 से या फिर हमारा CN से, ये सारे के सारे ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अगर हम R1 की जगह हम इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूट एट 6th, 8th, and 9th पोजिशन एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि ये वाली पोजिशन जो है हमारी 6th पोजिशन, 8th पोजिशन और 9th पोजीशन, ठीक है, अगर हम इन तीन पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं या फिर कोई भी ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो बेंजोडाइजेपिन है, जो हमारी ड्रग है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिंग बी की। रिंग बी कौन सी वाली है? ये वाली जो हमारी रिंग है, रिंग बी। ठीक है, ये लिखा है ना रिंग बी, ये वाली रिंग है हमारी रिंग बी। अब इसमें हमारा आ जाता है एट 1st पोजीशन R2 रिप्लेस विद एल्काइल ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इसमें हमारा जो R2 है, अगर हम इस R2 को रिप्लेस कर देंगे किसी भी एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट 2nd पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप रिप्लेस विद 2 हाइड्रोजन एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ये सेकंड पोजीशन ये वाली है, ठीक है, इसमें हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा? ये वैसे यहाँ पे हमारा जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे दोनों आते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड, वैसे यहाँ पे हमारा जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अगर हमारा कीटोन ग्रुप हम रिप्लेस करते हैं 2 हाइड्रोजन से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव करवा के इसकी जगह हम 2 हाइड्रोजन अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है कंपाउंड की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट 3rd पोजीशन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिविटी डिक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा यहाँ पे ये 3rd पोजीशन है, ये वाली पोजीशन हमारी 3rd पोजीशन है, तो इस पे हमारा जो है हाइड्रोजन अटैच होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो उस केस में हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन क्या कहती है कि अगर हमारा 3rd पोजीशन पे हम कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट 4th एंड 5th पोजीशन सैचुरेशन डिक्रीज पोटेंसी। अगर हम इस पॉइंट का सिंपल मीनिंग समझें तो हमारा 4th और 5th पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड जो है वो हमारा नेसेसरी है। अगर हम डबल बॉन्ड को रिमूव करके वहाँ पर सैचुरेशन करवाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो पोटेंसी है ड्रग की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिंग सी की। रिंग सी कौन सी वाली है हमारी? ये वाली, ठीक है, इसे हम रिंग सी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है एट 5th पोजीशन फिनाइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज एक्टिविटी। अगर हम 5th पोजीशन पे कोई भी फिनाइल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, एट 4th पोजीशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा 4th पोजीशन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो R3 है, इसकी जगह हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो उस केस में हमारा एक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। इफ़ बेंजीन रिंग रिप्लेस विद एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग इट इंक्रीजेज एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा ये बेंजीन रिंग है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के साथ तो उस केस में हमारा जो ड्रग बनेगी वो जो है उसकी एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा बेंजोडाइजेपिन का सार। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म फोर सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे।
और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।